दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने अतरंगी रे के इस नए लुक का रिएक्शन रखूं, कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या इस फिल्म में खिलाड़ी कुमार एक जादूगर का रोल प्ले करने वाले हैं? तो दोस्तों कैसा है खिलाड़ी कुमार का ये लुक, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार से। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि इन दिनों अक्षय कुमार की आने वाली कई सारी फिल्में लाइन में लगी है बैक टू बैक सिनेमा घर में आने के लिए। यानी कि भैया हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो उनकी जो फिल्म इस साल सबसे पहले सिनेमा घर में रिलीज होगी तो वो होगी सूर्यवंशी। यानी कि सूर्यवंशी को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ चुकी है कि ये फिल्म 30 अप्रैल को सिनेमा घर में आएगी। उसके बाद जो उनकी अगली फिल्म सिनेमा घर में आएगी तो भैया उसका नाम है बेल बॉटम, और बेल बॉटम को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भैया ये फिल्म 28 मई को सिनेमा घर में रिलीज हो सकती है। यानी कि इस फिल्म को लेकर यह जानकारी भी सामने आई है कि हो सकता है कि इस फिल्म का रिलीज डेट चेंज हो जाए, क्योंकि भैया सूर्यवंशी कुछ दिनों पहले ही सिनेमा घर में आ रही है। और उसके बाद आज अतरंगी रे की तरफ से खिलाड़ी कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो जारी करते हुए ये बात सबको बता दी कि भैया आज अतरंगी रे का लास्ट दिन है और अब मुझे इस फिल्म का बहुत ही बेताबी से इंतजार है। यानी कि भैया अतरंगी रे का जो ये लुक हम लोगों के सामने आया है इसमें बहुत ही यूनिक अंदाज में नजर आ रहे हैं अक्षय कुमार। यानी कि अक्षय कुमार के इस लुक को देखने के बाद दिमाग में कंफ्यूजन के घोड़े जो है वो दौड़ने अभी से लगे हैं कि क्या इस फिल्म में अक्षय कुमार जादूगर का रोल प्ले करने वाले हैं। यानी कि भैया जब आप इस फोटो को देखोगे तो उसमें आप पाओगे कि अक्षय कुमार ने एक जादूगर वाली हैट पहनी हुई है, उसके साथ उन्होंने जादूगर वाले कोट पहने हुए हैं और उसके साथ भैया उनके हाथ में एक प्लेइंग कार्ड है जिसके माध्यम से वो जादू करते नजर आ रहे हैं। यानी भैया इस फोटो को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भैया वो अपने अतरंगी रे वाले अंदाज से लोगों का दिल जरूर इस फिल्म में जीतेंगे। दोस्तों ये फोटो खुद अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए ये बातें कही, जिसको सुनने के बाद हम ये कह सकते हैं कि वाकई में ये फिल्म अच्छी बनी होगी। उन्होंने अपने इस पोस्ट में ये बात लिखी कि आज अतरंगी रे का लास्ट दिन है और मैं इस फिल्म में आनंद एल रॉय द्वारा किए गए जादू को देखने के लिए और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूं। साथ ही मैं अपने को स्टार सारा अली खान और धनुष को मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूं। यानी कि भैया हाल फिलहाल में ही अक्षय कुमार को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भैया वो इन दिनों मुंबई के एक स्टूडियो में डबिंग करते नजर आ रहे थे और उस वक्त ये जानकारी क्लियर नहीं हो पा रही थी कि भाई ये डबिंग किस फिल्म की चल रही है, क्या ये डबिंग बेल बॉटम की है या फिर ये डबिंग पृथ्वीराज चौहान की है या फिर ये डबिंग भाई अतरंगी रे की है। और आज जब ये ट्वीट हम लोगों के सामने आया तो इससे ये बात साफ हो गई है कि अक्षय कुमार ने अपने डबिंग वाले पार्ट को कंप्लीट कर दिया है, जिसके साथ उन्होंने ये जानकारी सार्वजनिक कर दी है कि भैया वो जादू करने आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा अक्षय कुमार का ये लुक और आपको क्या लगता है इस बार अक्षय कुमार का जादू लोगों के सर चढ़कर बोलेगा कि नहीं सिनेमा घर में, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वर्ण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।